सीरियल अनुपमा की कहानी में आप देख रहे हैं कि वनराज और काव्या कारखाने की डील अनुज कपाड़िया के साथ फाइनल करने के लिए बहुत डेस्परेट हैं। इन दोनों को पैसों की सख्त जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने का एक ही उपाय है और वो है अनुज, क्योंकि इस कारखाने को खरीदने में अगर कोई बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया ही है। ऊपर से वो अनुपमा का दोस्त है, तो वनराज और काव्या को ऐसा लगता है कि ये डील जल्दी से क्रैक हो ही जाएगी। पर आपको बता दें कि पारितोष की बदतमीजी ने सब कुछ खराब कर दिया है। पारितोष अनुज से बहुत बदतमीजी करेगा और कहेगा कि आप यहाँ से चले जाइए। तब अनुज पारितोष से कहेगा और पूरे परिवार को बताएगा कि ये डील अब नहीं होगी एंड आई विल मेक श्योर कि इस डील को कोई और भी ना करे। पर इसके बाद अब वनराज और काव्या दोनों एक और नई मुसीबत में फंसने वाले हैं। उधर अनुपमा पारितोष को बहुत डांटेगी उसके इस रवैये के लिए। यहाँ पर पारितोष कहेगा कि आपका इस तरह अनुज के साथ हंसना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन पारितोष को उसका मुंह तोड़ जवाब देगी किंजल। इसी के साथ आपको बता दें कि अब काव्या मैडम कुछ ऐसा करने वाली हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। काव्या के सारे काम उल्टे पुल्टे होते हैं, ये बात तो हम और आप बखूबी जानते ही हैं। वेल, ऐसे में काव्या अपना चार्म अनुज कपाड़िया पर इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाली है। काव्या सोचेगी कि अगर अनुपमा के ज़रिए ना सही, मैं अपने ज़रिए इस डील को ज़रूर क्रैक करवाऊंगी और अपनी अदाओं का इस्तेमाल करते हुए इस डील को पाने की कोशिश करती नज़र आने वाली है काव्या। लेकिन अनुज को तो आप जानते ही हैं, जो इंसान 26 सालों से अनुपमा का वेट कर रहा हो वो भला काव्या के इस जंजाल में कैसे फंस सकता है। तो आप देखने वाले हैं कहानी में बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और काव्या की इस हरकत को अपने आंखों से देखेंगे वनराज और अनुपमा, जिसके बाद होगा इनका गुस्सा सातवें आसमान पर। वनराज तो काव्या पर हाथ तक उठाने वाला होगा, लेकिन उठाते उठाते रुक जाएगा। और साथ ही वनराज और काव्या के रिश्ते में आपको खूब सारी अनबन देखने के लिए मिलने वाली है। अनुपमा अनुज से सॉरी मांगेगी, सॉरी बोलेगी काव्या की तरफ से। कल देखना दिलचस्प होने वाला है कि और क्या क्या नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलते हैं सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में।